अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है जयस। यहां पर 5 अक्टूबर को जयस ने बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है जयस। उम्मीदवार उतारने और कांग्रेस को समर्थन देने पर फैसला होगा। जयस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता है। जयस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। जयस के चुनाव लड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान होने की यहां पर संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रिजवान, उपचुनाव में जयस की सक्रियता यहां पर नजर आ रही है, बीजेपी का खेल यहां पर जो है जयस बिगाड़ सकता है। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा जिस तरीके से 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर जो है जयस भी अपना जो है मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। 5 अक्टूबर को जो है यहाँ पर बैठक रखी गई है और अपने उम्मीदवारों को जो उतारने की बात जो है यहाँ पर की जाएगी। खासतौर से अभी चुनाव में आना है या लड़ना है या नहीं लड़ना है ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। खासतौर से 5 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक जो है ये लोग करने वाला है, जिसको लेकर जो है बीजेपी को इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता बढ़ गई है, जैसे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ। राजनीतिक जानकारों का यही मानना है चुनाव लड़ने से स्थिति बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान होना तय है। ऐसी जोबट जैसे जोबट सीट पर पटवारी जो है नितेश अलावा को टिकट दे भी सकती है। बीते दिनों महू में जयस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नितेश अलावा को भी इसमें निलंबित किया गया था। साफ तौर से दोनों के लिए ही ये सिद्धर जो है जयस बन सकता है। वहीं अगर बीजेपी के आदिवासियों पर फोकस बीजेपी का जो है आदिवासियों पर फोकस बढ़ रहा है, आचार संहिता की कार्ड के लिए पड़ोसी जिले बड़वानी झाबुआ और धार में बैठकर चुनावी गतिविधियां संचालित की जा रही है। आदिवासी महाकुंभ और आदिवासी क्षेत्र की यात्राएं और बड़ी घोषणाएं से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। जी गुना जी, शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल उपचुनाव में जयस की सक्रियता बढ़ने से कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। हालांकि जो है दोनों ही पार्टियां तमाम आदिवासी संगठनों ओबीसी संगठनों इन सभी को वर्गों को साधने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन फिर भी जयस की जो सक्रियता बढ़ी, जयस ने 5 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जयस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है और कहीं ना कहीं देखना होगा कि अगर जयस चुनाव में उतरता है तो क्या कुछ नुकसान यहां पर पार्टी को हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नाती टीवी। नमस्कार।